एक्साइटेड, भले ही दो दिनों घर पे, घर तो घर होता है ना यार, कितना अच्छा लगता है। मैं तो बहुत टाइम बाद जाऊंगी, लास्ट टाइम दिवाली पर गई थी। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो अभी मैं सोकर उठी हूँ और अभी सुबह हो रही है, यू कैन सी थोड़ी थोड़ी सुबह हो रही है। तो अभी फ़िलहाल मुझे तो कॉलेज ही जाना है, बट कॉलेज जाने के बाद आज मैं जा रही हूँ घर। तो रीज़न शायद आप लोग को पता चल गया होगा, क्योंकि हम लोग का MSc का एग्ज़ाम है, तो हम घर जाएंगे। तो आफ्टर 1 PM हम लोग घर जाने वाले हैं। सो आई एम सो एक्साइटेड, भले ही दो दिनों घर पे, घर तो घर होता है ना यार, कितना अच्छा लगता है। मैं तो बहुत टाइम बाद जाऊंगी, लास्ट टाइम दिवाली पर गई थी। आई एम सो एक्साइटेड। और इस बार पिंका जो है मेरी फ्रेंड, वो भी मेरे साथ जाने वाली है घर, और तो थोड़ा सा घर वाला ट्रिप बहुत मेमोरेबल होने वाला है। सो या लेट्स गो, बाय बाय। मैं भी रेडी हो जाती हूँ कॉलेज जाने के लिए, तो टेक केयर, बाय बाय। सो गाइज, ये है हम लोग की बस, और ये है ऋषिकेश टू दिल्ली बस, हमने नेपाली फार्म से पकड़ी है। और अब हमने सामान तो रख दिया था, कुछ सामान लेने गए थे, नाउ वी आर गोइंग। सो ये सब मेरा सामान रखा है, और ये मैं हूँ, और ये है बस। और नाउ आफ्टर 2 hours आर स्लीपिंग फेस मी एंड पिंका। सो फाइनली आफ्टर सो मच ऑफ स्ट्रगल मैं आ गई हूँ दिल्ली। मैं मेट्रो में हूँ अभी, ये मेरे सूटकेस और ये बैग, क्योंकि मैंने सोचा जब वापस आएंगे तो काफ़ी सारा सामान नहीं होगा, इसलिए आज ही ले। आप लोगों को पता है सुबह मैं कितनी जल्दी उठी थी, देन उसके बाद हम लोग ना पोस्टिंग पे गए थे, और फिर हम लोगों ने वहाँ पे जाके काम भी किया, देन उसके बाद एग्ज़ाम है MSc का, तो थोड़ा बहुत प्रिपेयर किया, देन उसके बाद हमने सारा सामान वगैरह पैक किया, वापस से हम जल्दी से भागे क्योंकि बस का टाइम होने वाला था। तो हम ऑलमोस्ट 2-3 बजे के करीब निकले, फिर देन बस हम लोग को नेपाली फार्म से मिली, और मैंने वहाँ पे जाके आइसक्रीम खाई। फाइनली आई एम दिल्ली और मुझे बहुत सुकून मिल रहा है। ये रही मेरी पिंका, और मैं बहुत एक्साइटेड हूँ पापा से मिलने के लिए। ये रहे मेरे पापा। नमस्ते अंकल जी। हाँ जी, हाय गाइस, कैसे हो गाइस? अच्छा हो बाबू। ओह माय गॉड, इतनी सेवा पानी। मेरे को इन्होंने सर्विंग मशीन बना दी मुस्कान ने। यू आर माय सर्विंग मशीन ब्रो। सब कितना आएगी पहले बता। बस इट्स एनफ फॉर मी। मम्मा हम घर आ गए। घर मुस्कान बोल हाय गाइस। हेलो। हाय गाइस। हाय गाइस, हाउ आर यू गाइस? हाउ आर यू गाइस? व्हाई आर यू गाइस? डल गाइस, मैं डल हूं, मैं बारिश में भीग गई थी। सो गाइस, बनने वाले चाउमीन बनाए गए। बाय बाय गाइस, अब हम खा लेते हैं गाइस। Summers are here guys, and so the skin problems, but you guys already know that aloe vera is the most popular and the versatile ingredient for all your skin concerns.
However, cutting, peeling and applying it is very very time consuming. But don't worry guys, Mama Earth has your back क्योंकि Mama Earth लेकर आया है aloe vera gel face moisturizer that comes with lightweight formula and aloe vera face wash and oil free moisturizer. So it has glycerin, aloe vera that hydrates your skin and ashwagandha that gives you the youthful glow. Also, it has antioxidant properties and toxin-free. Made safe certified and suitable for all skin types. So guys, now wash your face with Mama Earth's aloe vera face wash. Now take some amount of aloe vera gel face moisturizer and apply all over your face and the neck. So guys, Mama Earth recycle more plastic than they use. So every time you buy a product from Mama Earth, they will link your order to a plant and by 2025, they are aiming to plant 1 million trees. So if you want to purchase these products, you can check my description box and also don't forget to use my code that is SV2022 for 20% extra discount. आप इन प्रोडक्ट्स को Amazon, नायका, Mamaearth की वेबसाइट और ऑल्सो ऐप से परचेज कर सकते हो। है सच्ची बताओ। चलो ठीक है, आप खाना खाओ, फटाफट खाओ। क्या बना रहे हो? ये देख मम्मा डोसा बना रही हूँ। ठीक है। तो देखेंगी भी नहीं, भाव खा रही है मेरी मम्मी। ठीक है, जल्दी कर रहा हूँ। टाइम ज्यादा हो रहा है ना? ये चटनी, ये नारियल की चटनी, ये सांबर और ये है डोसा, ये डोसे का बैटर, ये मेरी मेहनती मम्मा। मशीन ले जाऊँ ना? बेटा ले जाओ आप फटाफट। ओके मम्मा। मैं भी आ रही हूँ क्या? बिल्कुल आ रही है। डोसा खा लो। कट वाली है? हेलो। पता है आप लोगों को, यहाँ पे ना हमारी क्लास के बच्चों का भी बहुत लोगों का सेंटर बड़ा था, तो ये इस जगह का नाम ना ये नॉर्थ दिल्ली टेक्नोलॉजी के नाम से है, ये टीसा या टासा टावर है इसका जगह का नाम। तो या वी आर गोइंग, लेट्स सी एग्जाम पेपर कैसा आता है। एडमिट कार्ड हम दोनों ने रख लिया, ये मेरी मम्मा और हम हैं बिल्कुल रेडी जाने के लिए अंदर। एग्जाम तो यार हम लोग देखकर आ गए, आई डोंट नो कैसा गया है कैसा नहीं। पिंका बहुत थक गई है और ये देखो मेरे हाथ पे है ये बैंड, ये एग्जाम के टाइम पे बांधा जाता है और ये पिंका के हाथ पे भी है। अब हम जा रहे हैं घर। मेड बाय मम्मा। ये पापा जी, ये मम्मा जी, ये मेरी बहन जी और ये मेरी पिंका जी और ये खाना जी। हेलो गाइस, मोमोज खा लो। नंबर बता दे अपना, कभी किस पे मिल जाता है कभी किस पे, अरे निक्की का होता है। दीदी ऐसे मत क्या करो, आग मारो आग मारो, एक और मारो। तो कापती नहीं है। हाँ मेरे को नहीं आती। बर्थडे आ रहा है, मुस्कान भूत लग रही है, बहुत ज्यादा भूत लग रही है। बर्थडे आ रहा है तो हैप्पी बर्थडे टू यू। स्पेशल फील नहीं करा रहे, मैं घर आ गई तो। ये देख ये मंचूरियन रखे मम्मा ने स्पेशली तेरे लिए बनाए हैं। अच्छा आप दोनों के लिए बनाए हैं, मैं तो आती रहती हूँ। पिंका अभी कर लेनी चाहिए स्पेशल फील, कुछ भी है सही बात है, अभी स्पेशल फील करना नहीं चाह रही। मंचूरियन बनाए कुछ और करा, ये अकेली आती है ठीक है, जो खाती है बाहर से ले आती हूँ, क्यों अकेली है ना। मैं अकेली आती हूँ पता है, इस टाइम पे क्या मेहनत करूँ। मम्मा पापा बाहर घूमने चले जाते हैं, मैं यहाँ पढ़ी होती हूँ अपना, फिर आते हैं मम्मी पापा जी को डांटती है, पूछो 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 कुछ पूछो, पापा जी पूछेंगे बेटा ठीक है पढ़ाई जी चले। यही करते हैं, बात खत्म है, पापा कहते हैं तू पूछ ले बाद में मेरे को बता दियो। कल परसों पापा ने कुछ बात पूछी, मैंने कहा पापा जी मम्मा ने पूछवाई है ना। हाँ पापा जी पापा जी जब मेरे को कॉल करते हैं ना तो मुझे भी ऐसे लगता है कि शायद मेरे को ही बात करनी होगी, बट मुझे पता चल जाता है कि मम्मी ने बुलवाने के लिए कॉल किया है। डैडू ने इतने प्यार से डांटा,
इतने ज्यादा प्यार से मैंने कहा मम्मी पापा डांट रहे थे कि गिर गया अल्लाह की नींद ये बात है पापा डांटते ना मेरे आंसू नहीं रुकते मम्मी डांट ले आज क्या मम्मी अच्छे से पढ़ाई करना आप तो फोन रख दिया हाँ पूछ क्या फिर कहते पूछ भी नहीं पूछा कुछ भी पूछ ले मैं सुन तो रहा हूँ सुन कोई मेरे से पूछता है ना सिम्मी कैसे मिली बहुत बढ़िया इंसिडेंट था यूट्यूब के कमेंट्स कौन सी सिम्मी सिमरन अरे मेरी दोस्त सिमरन जो तेरी रूममेट है वो यूट्यूब से मिली है वो कमेंट से बात हुई है नंबर आईडी एक्सचेंज हुई है स्नैप के फिर नंबर एक्सचेंज ओ भाई यूट्यूब के कमेंट से पहले इससे दोस्ती हुई है एडमिशन तो बाद में हुए कैसे बात हुई पहले एक वीडियो पर डाली वो वाली वीडियो भैया हो गए परेशान हमारी कमेंट देख के डिलीट हमने कहा यार ये तो गायब फिर अगले किसी और की वीडियो में फिर मिल गए हम दोनों भाई जीव्यू का रिजल्ट नहीं आ रहा था वो भी वही सेम लाइन डाल रही मैं भी सेम लाइन फिर आप यहाँ भी मिल गए फिर हमें आईडी एक्सचेंज हुई फिर हमारी बात हुई स्नैप पे पहले तो हम बहुत आप करके बात करते थे अब देखते ना मन करता छोटी पकड़े YouTube के कमेंट से लेकर के रूममेट तक का सफर ये मेरी बहन जो छुप छुप के मम्मी से फोन चला रही थी रात को और मैंने इसको पकड़ लिया रंगे हाथों देख रहे हो आप लोग देखो फाइनली आफ्टर टू डेज मैं जा रही हूँ ऋषिकेश वापस वीडियो बना रहा था यार मेरा बिल्कुल मन नहीं लग रहा मन ही नहीं कर रहा जाने का क्योंकि घर पे इतना टाइम मस्ती कर ली मजाक कर लिया मम्मा के हाथ का प्यारा प्यारा सा खाना खाया एग्ज़ाम दिया पापा ने बहुत सब कुछ खिलाया बस अब नहीं जाना बट कोई बात नहीं तो जाना पड़ेगा ना फाइनल एग्ज़ाम्स हैं हम लोग के तो बस जा रही हूँ बस में बैठ गई हूँ और ये है हमारी पिंका साइड में बैठी है निकिता सोनी